करेंसी एक्सचेंज के लिए भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट्स एंड इतनी चेंज कराने के लिए अंदर वीडियो चेंज बनाया क्योंकि हो सकता अलाउड वगैरह नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। आज जो है एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है थाईलैंड की, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरा टिकट है, कल की टिकट है थाईलैंड की, तो वैसे मैं आज रात में निकल जाऊंगा, तो उसके लिए करेंसी एक्सचेंज करवाना जरूरी है। जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसकी करेंसी लेके जाना कंपलसरी है एक तरीके से। तो आप एयरपोर्ट पर भी करवा सकते हो, या एयरपोर्ट वैसे महंगा पड़ेगा, तो आप अपने सिटी में जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से करवाना तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो मैंने भी जो यहाँ से करवाया तो आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, करेंसी एक्सचेंज के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कौन सा सही है, बिल वाला या बिना बिल वाला। तो बने रहिए इस व्लॉग में और बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो सेक्टर 10 आ गया था मैं, ये आप देख सकते हो, ये सेक्टर 10 का मार्केट है। वहाँ पे इसके पीछे देखते हो तो मनी चेंजर, आप आओगे यहाँ पे मिल जाएगा, सीधे कट से जाओगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लग रखी है। तो यहाँ भी मैं गया था मनी चेंज कराने के लिए, अंदर वीडियो चेंज बनाया क्योंकि हो सकता अलाउड वगैरह नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। तो अब वीडियो उसके लिए भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मनी चेंजर के लिए डॉक्यूमेंट्स लिए, और रेट काफ़ी अच्छा मिल गया, मेरे घर के पास में था द्वारका में, तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। चलो बढ़ते हैं एक बार यहाँ से, थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए, मार्केट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे कभी भी आ सकते हो और इजीली एक्सचेंज हो गया, कोई टाइम अलग से नहीं कि इस टाइम पे आना या दूसरे टाइम पे आना, और यहाँ से मैं आया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस मनी चेंजर के बारे में। तो आ चुका हूँ मैं घर पर करेंसी एक्सचेंज करवा के, और ये मैंने पाउच ले लिया है ताकि पाउच बांध लूँगा और घूमता रहूँगा इसी को लगा के, है ना विशाल। तो जो करेंसी का देखो मैंने बताया था कि क्या क्या चाहिए, दो तरह के, एक बिलिंग वाला का करेंसी होता है और एक बिना बिलिंग वाला करेंसी। देखो बिना बिलिंग वाले में क्या हो गया, आपके आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, मतलब आप अगर, मैंने बताया था कि आप करेंसी लेने जा रहे हो अगर, तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आप टिकट दिखाओ जहाँ जा रहे हो जिसकी करेंसी चाहिए वो, और अगर उसका वीज़ा यहाँ से लेना पड़ता तो वीज़ा दिखाना पड़ेगा, और आपकी कोई एक आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ये चार डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे ही मांगेंगे, और नहीं मांग रहे तो आपको बिना बिल वाला देंगे, लेकिन उसमें क्या कर देंगे, थोड़ी सी करेंसी को महंगा कर देंगे। उसके दो नुकसान है बिना बिलिंग के, करेंसी थोड़ी महंगी कर देंगे, दूसरा अगर बाय चांस ना हो कि अगर उसने आपको गलत करेंसी दे दी, मतलब फेक नोट्स दे दिया, कुछ दे दिया, तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अभी मेरे पास क्या बिल है, पेमेंट है, मैंने भाई इतनी करेंसी ली और यहाँ से लिया था इस नंबर से इस नंबर तक का, और प्रॉपर मैं तो वैसे वीडियो बना लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, है ना सर। तो कौन सा बेस्ट होगा, बिलिंग वाला। ठीक है, बिल वाला ले लो, सस्ता भी पड़ेगा और एक लीगल वर्क होगा, लीगल काम होगा आपके लिए भी उसके लिए भी, है ना। तो बिना बिल वाले कोई मत जाना लालच में आके, कुछ भी कि बिना उसके, बाकी आपकी मर्जी है। तो करेंसी दिखाता हूँ आपको, विशाल करेंसी दिखाओ, ये जो है बिल है, मैंने उसके लिफाफा बना दिया है और इसी के अंदर करेंसीज हैं, ये तो ये है करेंसी। देखो वहाँ पे जो है मिनिमम, एक मिनट, मिनिमम जो है 10,000 बाट तो चाहिए होता है, तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा करवा लिए हैं, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाएगा अभी, है ना विशाल। बिल्कुल, तो उसके रिगार्डिंग से आप भी चलोगे साथ में? हाँ बिल्कुल। तो पैसा क्यों ले रखा था? पैसा दे दो, पैसा दे। विशाल हमारे साथ गए थे, क्या नाम है, करेंसी एक्सचेंज के लिए, क्योंकि मैं घर पे था तो विशाल आ गया, कह रहा कहाँ जा रहा हूँ मैं, करेंसी एक्सचेंज के लिए जा रहा हूँ, चलोगे, क्योंकि अकेला ही था और पता ही ज़्यादा ले लेता हूँ किसी ना किसी को साथ में। तो विशाल गया था मेरे साथ, तो हम चेंज करवा के आए, विशाल के पैर एक्सपीरियंस हो गया, मार्केट घुमा लाया और नोट है कैसे लग रहे, नकली से खिलौने टाइप के ऐसे लग रहे, कुछ है ही नहीं, जानी नहीं है इनमें, और बहुत हल्के नोट है भाई, ये देखो बहुत हल्के नोट है, ऐसे ऐसे मजबूत हमारे नोट से। एक इनमें ये थोड़ा अच्छा है कि इनमें जो नोट्स हैं कलर अलग हैं, और दूसरा ये जितने इनमें लोगों की प्रिंटेड है ना फोटोज़, सभी में अलग अलग हैं, जैसे हमारे में सिर्फ क्या नाम है, महात्मा गांधी की फ़ोटो है, लेकिन के हर नोट पे, हर नोट का मतलब हर वैल्यू की नोट पे अलग अलग लोगों का फ़ोटो प्रिंट हो रखा है। तो चलो मेन मुद्दे की बात ये है कि बिलिंग वाला लें या बिना बिल वाला लें, तो हमेशा ध्यान रखें बिल वाला लें, सस्ता भी पड़ेगा और लीगल भी रहेगा। कभी कोई आपको जैसे मान लो ये एक नोट फेक निकल गया, ये नोट अगर फेक निकल गया तो क्या करेंगे, जाके भाई उसको दिखाएंगे, भाई ये नोट तुम्हारे यहाँ से लिया हुआ है, मेरे पास प्रॉपर बिल है इसका, इस नोट को चेंज करके दो, है ना। तो इससे आप सेफ रहोगे, तो हमेशा बिल, कौन सा लोगे करेंसी, बिल वाला है। अब देखो मैं आज निकलने वाला हूँ, आज नाइट को मेरी पूरी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, मैंने पासपोर्ट वगैरह सब रख लिया है, ये एक्स्ट्रा ले जा रहा हूँ पाउच, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो थोड़ा सामान इसमें ठूस दूंगा, ये ऐसे टंग जाए ना कंधे पे। तो आज निकल रहा हूँ मैं थाईलैंड के लिए। एक और भी मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना कंपलसरी है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो
इंटरनेशनल ट्रिप के लिए या हवाई जहाज के लिए, तो कैसे कैसे जा सकते हो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कब, जब मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे तब, ताकि एक जो रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि मैं भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर विजिट कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखें, थाईलैंड सीरीज चालू हो चुकी है, अब यहाँ से व्लॉग्स आते रहेंगे, और साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल, अगर आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करके रखें, कंटिन्यू व्लॉग्स आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।